दिल्ली में पिछले दिनों हुए किसानों के प्रदर्शन की गूंज सत्ता के गलियारों में महसूस की गई और इसी का असर आज मोदी कैबिनेट की बैठक में देखने को मिला। मोदी सरकार समझ चुकी है कि देश का अन्नदाता उससे बेहद नाराज है और यह नाराजगी बनी रही तो सरकार के लिए 2019 की डगर कांटों भरी होगी। शायद इसीलिए लगातार सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है, तभी आज मोदी कैबिनेट ने नई कृषि खरीद नीति को अपनी मंजूरी दी है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें नई कृषि खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई। बताया जा रहा है कि यह नीति बाजार मूल्य के सरकार द्वारा तय दाम से नीचे जाने पर भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करेगी, यानी जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किसान करेगी। इससे पहले किसान ने धान समेत 22 मूल्यों के MSP में वृद्धि का फैसला किया था। इस साल बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाएगी, जिसे लेकर केंद्र ने नीति आयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों के साथ विचार विमर्श करके किसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने को कहा। काफी विचार विमर्श के बाद नई खरीद नीति पर मोहर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत राज्य PSS या PDP चुन सकते हैं या किसानों को MSP सुनिश्चित करने के लिए खरीद के काम में निजी कंपनियों को साथ कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एथेनॉल के दाम भी 25% बढ़ा दिए हैं। अब सरकार आगामी चुनाव से पहले फैसले तो एक के बाद एक ले रही है, लेकिन ये फैसले कब सुचारू रूप से लागू होते हैं ये देखना बाकी होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।